तो देखते हैं हम मेटलॉइड्स का। मेटलॉइड्स से क्या है, देखो मेटलॉइड्स, अब इसमें सिंपल सा, जब तुम लोग हायर क्लास में जाओगे तो पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ोगे, जितना भी मेटल्स वगैरह पढ़ रहे हैं, सिल्वर, टिन, गोल्ड, सिल्वर, सल्फर, फास्फोरस, जितना भी, सारा एक चार्ट बना होता है। चार्ट में सारा इंडिकेट किया है कौन सा मेटल है, कौन सा नॉन मेटल है, कौन सा एसिडिक टाइप का बनाता है, कौन सा बेसिक टाइप का ऑक्साइड बनाएगा, क्या बनाएगा, नोबल मेटल, नोबल गैस क्या होता है, मेटलॉइड्स क्या होता है, ये सारा क्लियर है। तो मेटलॉइड्स उसको बोलते हैं, देखो द एलिमेंट, यही एलिमेंट रहता है उस चार्ट में, पीरियोडिक टेबल में, एलिमेंट विच हैव सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मतलब क्या, कुछ प्रॉपर्टी मेटल्स और कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स का, मतलब क्या कि दोनों दोनों का प्रॉपर्टी, यानी कुछ मेटल्स का और कुछ नॉन मेटल्स का, बोथ का प्रॉपर्टी थोड़ा थोड़ा होता है उस एलिमेंट में, उस एलिमेंट को बोलते हैं मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स में क्या, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक और एंटीमोनी। नोबल मेटल क्या होता है, देखो नोबल गैस और नोबल मेटल, नोबल नाम से ही पड़ा, नोबल मतलब एक खास, ठीक है, मतलब नोबल मेटल्स का मतलब क्या है कि वैसा मेटल्स विच डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, एसिड एंड बेस। देखो वैसा मेटल, जैसे मतलब नोबल मेटल उसको रखा गया, ऐसा नहीं कि वो रिएक्ट नहीं करता, करता, बहुत बहुत टाइम लगता है और बहुत ज्यादा मेथड का यूज करना पड़ता है। तो हम लोग जब उतना मेथड यूज करें थोड़ी किस चीज में रिएक्शन कराएंगे। जैसे अगर हम बात करते हैं कोई चीज यूज करते हैं हम लोग घर में, तो क्या उसको हम लोग बर्बाद करने पे लगे रहते हैं कि चाहते हैं कि जितना ज्यादा बच जाए, तो वही है। तो जनरली ये जो होता है फ्री स्टेट में होता है। फ्री स्टेट कहने का मतलब क्या है कि ये किसी और से मिला हुआ ज्यादा, मतलब रिएक्शन शो नहीं किया जाता, ऐसा नहीं कि एक और एक दोनों मिलकर के पाया जाएगा, नहीं, ये ऐसा पाया, अगर दो है भी उसके साथ तो अलग अलग इजिली सेपरेट कर सकते हैं हम लोग उसको, या फिर किसी और के साथ नहीं होता, किसी और मेटल के साथ मिला हुआ नहीं होता, क्योंकि रिएक्ट करता ही नहीं। तो फ्री स्टेट में होता है। और इसका ऑर्नामेंट्स बनाने में, जैसे मान लो ज्वेलरी वगैरह बनाने में, कुछ कीमती तोहफा वगैरह बनाने में, ठीक है, जैसे गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम, ये सब क्या है, सारा महंगा है, देखते हो ना, इससे सारा ज्वेलरी बनता है। तो ज्वेलरी बनाने का मकसद क्या होता है कि हवा, पानी, बरसात, जो भी जो क्रोजन होता है वो उसमें नहीं होता। देखते हो ना, हम लोग अंगूठी पहनते हैं, बहुत सारे मम्मी लोग घर में जो जितने भी हैं दीदी लोग, सब क्या नेकलेस पहनते हैं, तो वो लोग सोना का होता है, चांदी का होता है, प्लेटिनम का होता है, तो वो सब क्या होता है, रिएक्ट नहीं करता हमारे बॉडी के पसीने से, या फिर हम लोग नहाते हैं पानी से, हवा से, तो वो खराब हो जाएगा ना अगर वैसा कुछ हुआ तो। बट ये जो जितना भी मेटल्स है इसमें वैसा कोई खराबी नहीं होता है। देखते हो, ऐसा थोड़ा कि सोना का पहनते हैं तो खराब हो जाता है, हाँ, बट आयरन का पहनते हैं तो वो खराब हो जाता है, ठीक है। क्रोजन ऑफ मेटल्स क्या है, क्रोजन ऑफ मेटल्स का वही चीज है कि जो इसमें नहीं होता है अब इसमें होगा, कि इट इज द प्रोसेस बाय विच द मेटल्स आर स्लोली ईटेन अवे व्हेन एक्सपोज टू एयर मॉइस्चर। जैसे मान लो कि कोई भी मेटल्स है, ठीक है, उसको अगर हम हवा में ऐसे ही रख दें, पर उसमें पानी दे रहे, फिर हवा लगा सूख गया, जैसे मान लो बाहर छत पे या कहीं भी गेट होगा, तो गेट में क्या है, डेली धुलता भी है, फिर धूप भी लगता है, धुलता है, धूप लगता है, सूखता है, तो वैसे करते करते क्या होता है, वो कमजोर हो जाता है, वो क्या होता है, सड़ता चला जाता है। आप बोलेंगे लोहा थोड़ी सड़ेगा, हाँ सड़ता है इसी चीज मेथड से। जैसे तुम लोग एग्जांपल देखा होगा कि कोई भी छत पे जो जिसपे कपड़ा हम लोग सुखाते हैं, तो देखना क्या होता है, धूप में वो कमजोर हो जाता है, क्यों जाता है, बारिश में भीग रहा है, फिर धूप आया सूख गया, फिर बारिश में भीग रहा है, फिर धूप आया सूख गया, तो वो क्या करता है, उसको प्रॉपर्टी को ब्रेक डाउन कर देता है, तोड़ देता है उसको, इसलिए वो कमजोर हो जाता है। और टूटे हुए वैसे ही गेट वगैरह में होता है कि पानी दे रहा है, हवा लग रहा है, मॉइस्चर हो रहा है, पानी दे रहा है, हवा लग रहा है, मॉइस्चर हो रहा, फिर सूख जा रहा है, तो वैसे करते करते वो क्रोजन होता है। उससे बचाने के लिए हम लोग बहुत मेथड अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब हम इसके आगे देखते हैं, हाँ देखते हैं, जो क्रोजन था उसमें एक एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन। जैसे कि बताया था अभी हम कि क्रोजन होता क्या है, तो रस्टिंग ऑफ आयरन एग्जांपल हो गया उसका, कि कैसे हम लोग लोहे का गेट को देखते हैं, नीचे से क्या होता है, वो टूटता जाता है और भूरा बनता जाता है, तो वो जाता कहाँ आखिर टूट करके, तो वही होता है क्रोजन, ठीक है। अगर क्या क्रोजन ऑफ मेटल को प्रिवेंट कैसे करेंगे, इसको हम बचाएंगे कैसे, तो बहुत दो तीन मेथड है, गैलनाइजेशन है, पेंटिंग है, और वॉयल उस पर लगा कर देखना कि अक्सर हम लोग वॉयलिंग करते हैं या फिर गेट को पेंट क्यों किया जाता है, तो इसी क्रोजन ऑफ मेटल से बचाने के लिए, ठीक है। गैलनाइजेशन बहुत ही अच्छा प्रोसेस होता है, जिंक का कोटिंग होता है उसमें, ठीक है, एल्यूमिनियम का भी होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी होता है, ये सब एग्जाम्पल है क्रोजन ऑफ मेटल से बचाने के लिए।
एलॉय क्या है, एलॉयज क्या है, तो एलॉयज भी देखो ये क्रोजन ऑफ मेटल है, उसी से बचाने के लिए एलॉयज भी किया जाता है, बनाया जाता है। तो एलॉयज क्या कहता है, एलॉयज इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स और वन मेटल्स एंड वन नॉन मेटल्स। मतलब क्या है कि या तो दो मेटल्स होगा का मिक्सचर या फिर एक मेटल और एक नॉन मेटल का मिक्सचर से हम बनाते हैं क्या, एलॉय। एलॉय बनाते क्यों है, तो ये करता क्या है, हार्डनेस बढ़ा देता है उस मटेरियल का, हार्ड रहता है बहुत ज्यादा। फिर क्या है, नॉन कोरोडेड, मतलब क्या होता है उसका प्रॉपर्टी कैसा होता है कि आपको क्रोजन नहीं करेगा, मतलब ये ईटिंग ऑफ मेटल्स नहीं हो पाएगा उसमें, ठीक है। एग्जांपल क्या है, ब्रास है, ब्रोंज है, स्टेनलेस स्टील है, और मतलब ड्यूरेलियम है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, सोल्डर भी होता है, देखो हो इसमें क्या है, ब्रास का, ब्रास है कॉपर प्लस जिंक, जो ब्रास है क्या है एलॉय है, तो किस किस से मिलकर बना हुआ है, तो कॉपर प्लस जिंक से। ब्रोंज भी क्या है, एलॉय है, कॉपर और टिन से बना हुआ है। स्टेनलेस स्टील क्या है, तो आयरन, क्रोमियम और निकल तीनों से मिलकर बना है। ब्रास क्या होता है पता है, पीतल। ब्रोंज क्या होता है, कास, और स्टेनलेस स्टील तो पता है, ठीक है। इसका रिविजन करो पूरा।